Hello, students. Welcome to RK Knowledge Channel. Here is Prem Sir from RK Classes, ninth standard maths two, as per Maharashtra textbook. We are taking question number, sorry, chapter 1. Chapter 1 is basic concepts in geometry. Practice set 1.2. We are starting. 1.2, the first question the following table shows points on a number line and their coordinates. डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रट और नॉट सो स्टूडेंट दिस इज योर टेबल पॉइंट एंड देर कॉर्डिनेट्स पॉइंट एंड दे आर कॉर्डिनेट्स नाव वी हैव टू चेक हमें चेक करना है डी सेगमेंट और एबी सेगमेंट सेम साइज के हैं या नहीं तो स्टूडेंट सेम साइज के हैं या? तो हैं या नहीं चेक करने के लिए उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला है लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक पहले डी ई e पता लगा लेते हैं डी ई e के लिए चेक कीजिए डी में माइनस सेवन है और ई e में नाइन तो ई e बड़ा है इसलिए ई कॉर्डिनेट माइनस डी कॉर्डिनेट ई का कॉर्डिनेट है नाइन माइनस D का कोऑर्डिनेट है माइनस सेवन सो डबल माइनस प्लस हो जाएगा नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन ए बी के लिए चेक कीजिए स्टूडेंट्स ए का वैल्यू है माइनस थ्री और बी का कोऑर्डिनेट है फाइव तो बी बड़ा है इसलिए बी कॉर्डिनेट माइनस ए कॉर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट फाइव है माइनस ए का कोऑर्डिनेट माइनस थ्री डबल माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा सो फाइव प्लस थ्री इज एट तो हमें एक आंसर मिला एट और दूसरा आंसर मिला सिक्सटीन तो ये अलग अलग है इसलिए डिस्टेंस डी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ए बी मतलब सेगमेंट डी और ए बी कांग्रेन नहीं है सर्वांगसम नहीं है अब क्वेश्चन नंबर वन का सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए इसमें सी और सेगमेंट ए डी फाइंड आउट करना है तो पहले सी फाइंड आउट करने के लिए चेक कीजिए बी का कॉर्डिनेट कितना है फाइव और सी का कॉर्डिनेट कितना है टू अब डिस्टेंस फॉर्मुला यूज किया जाए लार्जर कॉर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट बताइए बी और सी में बड़ा कौन है बी तो पहले बी लिखेंगे बी कोऑर्डिनेट माइनस सी कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट फाइव लिखा गया सी का कोऑर्डिनेट टू लिखा गया फाइव माइनस टू फाइव माइनस टू कितना आ रहा है थ्री तो बीसी का डिस्टेंस मिला थ्री अब चेक किया जाए एडी के लिए सो so, एडी के लिए चेक कीजिए ए का कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री और डी का कोऑर्डिनेट है माइनस सेवन माइनस थ्री और माइनस सेवन माइनस में उल्टा होता है यहाँ पे माइनस थ्री बड़ा है तो ए बड़ा है इसलिए ए का कॉर्डिनेट माइनस डी कॉर्डिनेट ए का कॉर्डिनेट माइनस थ्री माइनस डी का कॉर्डिनेट माइनस सेवन डबल माइनस क्या होगा प्लस तो माइनस थ्री प्लस सेवन मतलब सेवन माइनस थ्री आ रहा है फोर अब एक का आंसर आया था थ्री और एक का आंसर आया फोर मतलब दोनों आंसर सेम नहीं है नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू एडी इसलिए लिखेंगे बीसी एंड एडी आर नॉट कॉन्ग्रेन मतलब रेख बी सी और रेख एडी सर्वांगशन नहीं है थर्ड क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट वन अब है सेगमेंट बीई एंड सेगमेंट एडी सेगमेंट बीई और सेगमेंट एडी के लिए चेक किया जाए सो so, पहले बीई बी और ई e में चेक कीजिए बी का कोऑर्डिनेट फाइव है और ई e का कोऑर्डिनेट नाइन है तो फाइव और नाइन में नाइन बड़ा है इसलिए ई e का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा सो so, ई e का कोऑर्डिनेट माइनस बी कॉर्डिनेट बीई के लिए वैल्यूज रखा जाए ई e कॉर्डिनेट इज नाइन माइनस बी कॉर्डिनेट इज फाइव अब नाइन माइनस फाइव नाइन माइनस फाइव स्टूडेंट्स कितना होगा फोर अगला सेगमेंट है एडी ए के लिए चेक कीजिए माइनस थ्री और डी के लिए माइनस सेवन सो वापस माइनस थ्री बड़ा है तो ए का कॉर्डिनेट पहले लिखा जाएगा ए कॉर्डिनेट माइनस डी कॉर्डिनेट ए का कॉर्डिनेट है माइनस थ्री माइनस डी कॉर्डिनेट है माइनस सेवन डबल माइनस प्लस हो जाएगा प्लस होने के बाद स्टूडेंट्स बताइए सेवन माइनस थ्री सेवन माइनस थ्री कितना आ रहा है फोर आ रहा है तो हमें यहां पर फोर और यहां पर भी फोर मिला दोनों वैल्यू सेम मिल गए तो हम लोग लिखेंगे डीई एंड एडी आर सेम इक्वल बराबर है देआर फोर सेगमेंट बीई एंड एडी आर कॉन्ग्रोए मतलब सर्वांग है यहां पर स्टूडेंट बी रहेगा पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी ये सेकेंड क्वेश्चन है नया क्वेश्चन एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी ए बी आठ बताया गया देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम स्टूडेंट इसका पहले हम सोल्यूशन में फिगर बनाकर देखेंगे एम क्या होना चाहिए एबी के बीचों बीच में होना चाहिए सो ए बी एड दिया गया है अब हम एक फिगर बनाकर देखते हैं फिगर बनेगा सेगमेंट ए बी मतलब पहले हम रेख ए बी बनाएंगे और रेख ए बी के बीचों बीच में रहेगा पॉइंट एम अगर एम बीचों बीच में है तो एम क्या होना चाहिए ए बी का हाफ होना चाहिए सो एम इज इक्वल टू हाफ ए बी मतलब आधा एबी मल्टीप्लाई कीजिए वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय एट वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय एट मतलब आठ का आधा आठ को दो से काट दीजिए तो फोर आएगा सो ए एम वी गॉट हाउ मच फोर लास्ट में लिखेंगे यूनिट्स ओके okay? तो फोर यूनिट्स हमें यहां पर आंसर मिला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी अब सी के बीचों बीच में क्या आने वाला है स्टूडेंट्स पी आने वाला है सी के बीचों बीच में क्या रहेगा पी रहेगा तो चेक कीजिए सीपी हमें दे दिया है 2.5 तो यहां पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सीपी इज गिवन टू एस टू पॉइंट फाइव और पी बीच में है इसलिए सीपी सी डी का आधा होना चाहिए तो यहां हम लिखेंगे पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी देर फोर सी पी विल बी हाफ ऑफ सी डी सीपी क्या होगा आधा होगा सी डी का फिर नीचे लिखा जाए सीपी टू पॉइंट फाइव है इक्वल टू वन अपॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय सी डी सी डी तो हमें पता नहीं है अब सीडी फाइंड आउट करने के लिए टू यहां डिवाइड है इस साइड लाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए सो टू साइड जाकर टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू पॉइंट फाइव मतलब ढाई का डबल ढाई का डबल पांच आएगा टू पॉइंट फाइव का डबल कितना आएगा पांच सो सी डी वी गॉट हॉम फाइव यूनिट्स दिस वे यू गॉट द आंसर स्टूडेंट्स हमने अच्छे क्वेश्चन किए हैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आप होमवर्क में ट्राई कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू